हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा आशावादी होंगे। मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो जो कि रिलेटेड है सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी कि वर्डेबल मैरिजेस से संबंधित है। वर्डेबल मैरिज क्या होती है आपको बता दें, कोई भी शादी जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के पहले हुई है या बाद में हुई है वो वर्डेबल मानी जाएगी और उसे घोषित कराया जा सकेगा एनल नलिटी की डिग्री पास कराकर। चार आधारों पर, चार ग्राउंड्स में से किसी भी एक ग्राउंड के फुलफिल होने पर कोई भी शादी जो है उसे वर्डेबल घोषित कराया जा सकेगा पिटिशन फाइल करके। पहला क्या है, इम्पोर्टेंस, यानी कि दोनों में से किसी भी पार्टी के इम्पोर्टेंट होने की वजह से उनके बीच में शारीरिक संबंध नहीं बन पाया हो, उनके बीच में संभोग नहीं हो पाया हो, मैरिज जो है वो कंज्यूमेटेड नहीं हो पाई हो, तो दोनों में से कोई भी पार्टी जो है जिसके वजह से नहीं हुआ हो उसके खिलाफ, जो कि इम्पोर्टेंस हो उसके खिलाफ पिटिशन फाइल करके मैरिज को वॉइडेबल घोषित करा सकेगी। दूसरा क्या है, दूसरा है कि क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसको अगर कॉन्ट्रवीन करती है शादी, अगर उसकी अवहेलना करती है शादी, तो भी जो है जो मैरिज है उसको वर्डेबल घोषित कराया जा सकेगा। अब यहीं आपको बताते चलें कि तीन कंडीशंस हैं क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5 में। पहला क्या है कि ड्यू टू अनसाउंडनेस जो है दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो विवाह के लिए वैलिड कंसेंट देने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरा क्या है, अगर वो वैलिड कंसेंट देने के लिए सक्षम तो है लेकिन फिर भी वो इस तरीके से अनफिट है कि वो शादी नहीं कर सकती या फिर वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। और क्लॉज 2 का सब क्लॉज 3 है कि उसे बार बार पागलपन के दौरे पड़ते हैं। सो ये तीन जो कंडीशंस हैं ये क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5 में है। इनमें से भी अगर किसी की अवहेलना होती है तो जो मैरिज है वो वॉइडेबल मानी जाएगी। तीसरा क्या है कि पिटिशनर या उसके शादी के डेट पर जो उसका गार्जियन है उसकी जो कंसेंट है वो झूठ बोलकर ली गई हो, फ्रॉड करके ली गई हो, दबाव में ली गई हो। जैसे कि सपोज रेस्पोंडेंट के बारे में, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो मटीरियलिस्टिक फैक्ट्स हैं वो उसके बारे में गलत बताए गए हों, जो कस्टम्स है उसके बारे में गलत बताया गया हो। और चौथी कंडीशन है कि जो रेस्पोंडेंट है वो पिटिशनर के अलावा किसी और के जरिए प्रेग्नेंट हुई है, वो किसी और के बच्चे को जन्म देने वाली है शादी के समय, तो वो मैरिज भी जो होगी वो वॉइडेबल मानी जाएगी। ये चार कंडीशंस हैं जिनके की बेसिस पर किसी भी शादी को वॉइडेबल घोषित कराया जा सकेगा, एनल्ड घोषित कराया जा सकेगा, नलिटी की डिक्री पारित कराई जा सकेगी। आपको एक बात और बता दें कि जो वॉइड मैरिज के बारे में हमने बताया था वो जो पहला दिन होता है ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वेरी इंसेप्शन से वो जो है वो वॉइड यानी कि शून्य होती है। उसे घोषित कराने के लिए सिर्फ एक फॉर्मल डिक्लेरेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप नहीं भी घोषित कराते तो भी वो मैरिज जो है वो लॉ में वैलिड नहीं मानी जाएगी। लेकिन वॉइडेबल मैरिज जब तक आप घोषित नहीं कराएंगे तब तक वो वैलिड होती है, लेकिन आपको घोषित कराना पड़ेगा। अगर ये चार में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, अगर ये चार में से कोई भी ग्राउंड फुलफिल नहीं हो रहा, तो आप मैरिज को वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंडीशन है जो कि सेक्शन 12 के क्लॉज 2 में दी गई हैं, जिनके की आधार पर शादी को अगर वो होती हैं तो आप शादी को वॉइडेबल घोषित नहीं करा सकते, लेकिन उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको जानकारी देती हूँ वो मेरी खुद की पढ़ाई के आधार पर होती है। जो भी मेरा 11 साल का अपना वकालत का अनुभव है उसमें जो भी मैंने केसेस किए हैं उसके अनुभव के बेसिस में मैं आपको बताती हूँ। तो आपको बताती चलूँ कि मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं वहाँ पर अधिवक्ता हूँ, मैं वहाँ पर लॉयर हूँ। तो आपको जो कुछ भी मैं बताती हूँ उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं स्टडी करती हूँ। उसके अलावा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ उसको कहीं भी यूज़ करने के पहले एक बार कंफर्म ज़रूर कीजिए, खुद से पढ़िए ज़रूर। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने मेरी बात सुनी और हो सकता है कहीं मुझसे भी कुछ त्रुटि हो जाती हो तो आप उसके बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर। फिलहाल जो वॉइडेबल मैरिज है उसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मुझे बताइएगा। और अब दीजिए अनुमति मुझे यानी कि अपनी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा को।